दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने जो एक बाइक लिया हुआ था, जो कि मैं राइड के लिए बाइक लिया हुआ था, तो वो बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही मैंने चलाना स्टार्ट किया तो बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल गया है। तो जाते हैं शोरूम में और उसको शोरूम में दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें उसमें एडजस्ट करना है, क्या क्या चीज़ें खराबी है। बाइक में सबसे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहाँ पर दोस्तों बहुत दिनों से चेन जो काफ़ी लूज हो गया था, तो उसको भी दिखाना ज़रूरी था। वो एक प्रॉब्लम है। और यहीं चेन के जो पीछे ब्रेक है, ब्रेक के साइड से कुछ आवाज़ करता है जब भी ब्रेक मारते हैं बैक साइड का, तो आवाज़ कुछ ना कुछ करता है। मुझे लगता है कि ब्रेक का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक भी प्रॉपर तरीके से लग जाता है। तो दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें लगना है, नहीं लगना है, सारा चीज़ इसमें करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। और एक प्रॉब्लम देखने को मिल गया क्या, कल जैसे ही बाइक निकालें और चलाने की कोशिश करें, चला के आए तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबिल भी नीचे यहाँ पे देख सकते हैं गिर रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम दिखाएँगे और सारा चीज़ ठीक करवाएँगे। लोग ये सोच रहे होंगे कि बाइक तो दिखा दिया लेकिन बाइक राइड का एक भी वीडियो नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, बाइक राइड का वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे गांव में इतना ज़्यादा ठंड है कि बाइक राइड करना मुश्किल है। उसके लिए आपको कॉस्ट्यूम चाहिए, बाइक राइड के लिए पर्सनल कॉस्ट्यूम चाहिए, और तब उस कॉस्ट्यूम को पहन के निकलो, तभी आपको ठंड नहीं लगेगी और आप बाइक राइड कर सकते हो। तो मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं है। जब भी ठंड ख़त्म हो जाती है तो मैं बाइक राइड के लिए निकलता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, लोकल में ही जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ। तो बाइक बहुत ही कम चलाता हूँ, इसलिए आपको अभी बाइक राइड का जो वीडियो है वो नहीं मिल पा रही है, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, बाइक राइड के लिए जो मैंने एक गोप्रो लिया हुआ था, वो गोप्रो में कुछ खराबी आ गई है, तो उसका माइक भी वर्क नहीं कर रहा है। पहले वर्क करता था, जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर भी डाला हुआ था, लेकिन अब वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही उसको कनेक्ट करते हैं तो वो माइक वर्क नहीं कर रहा है। तो बिना माइक का मोटो ब्लॉगिंग करना सही नहीं लगता है, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कौन चीज़ें कहाँ है क्या है। तो इसलिए मैं राइडिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अभी ब्लॉगिंग वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं बाइक के शोरूम में, जाते हैं बाइक को ठीक करवाते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। या, 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 या।